हेलो दोस्तों, मैं आपका मेंटोर एके सिंह। आज एक दुखद दिन, आज यूपीटेट की जो परीक्षा हुई है या होने वाली थी वो रद्द हुई है, और रद्द होने का कारण कुछ जालसाज और कुछ जो लालची लोग हैं जिनको अपना पैसा सब कुछ दिखता है, बच्चों का भविष्य नहीं दिखता, उनके कारण ये परीक्षा रद्द करी गई है। रद्द करने के बाद जो बच्चों की सालों भर की मेहनत, रात दिन की मेहनत, और एक बच्चे का जो सपना होता है कि वो अपने भविष्य को लेकर एक अच्छी जॉब लेकर अपने भविष्य को सिक्योर करे, वो आज सपने बहुत से बच्चों के टूटे हैं। बहुत से बच्चों के आंखों में आंसू आए हैं। जिन बच्चों ने रात दिन मेहनत करी है उनके लिए आज दुख का दिन है। आज यूपी टेट का जो पेपर था वो सभी बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे मुझसे मिले या जितने भी बच्चे हमने यूट्यूब पर, फेसबुक पर बात की, तो उन सब बच्चों ने यही कहा कि आज का पेपर सभी के लिए बहुत इजी था। जिनके पहले 83 या 80 आसपास नंबर आते थे, आज उन्होंने भी यही कहा कि हमारे 100 प्लस मार्क्स आ जाते अगर आज ये पेपर होता तो। पर मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको ये सोचना जैसे और पेपरों की तरह बाद में पता चलती तो ये कहीं ना कहीं आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता, क्योंकि बहुत सी परीक्षाओं में सरकार यही नहीं मानती कि पेपर लीक हुआ है। सरकार का ये कहना होता है कि पेपर लीक नहीं हुआ, ये सिर्फ अफवाहें हैं। पर यूपी गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इस शिक्षक परीक्षा, जो कि एक यूपी टेट की परीक्षा है, उसमें पहली बार इसको माना है कि हाँ ये परीक्षा रद्द हुई है या लीक हुई है और उसे रद्द किया है। अब हम कर तो कुछ नहीं सकते, पर मैं अब यही कहूँगा सभी अभ्यर्थी को, सभी स्टूडेंटों को, कि जो आप लोगों ने मेहनत करी थी वो दोबारा इसी तरह की मेहनत कर, और उन जो जालसाज जिन्होंने बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए पेपर लीक किया है, उनके मुंह पर एक तमाचा मारने के तौर पर आप इतनी मेहनत करें कि फिर वही आपके 100 प्लस मार्क्स आए। तो चलो, ये जो पेपर आया है ये यूट्यूब, फेसबुक, अन्य प्लेटफॉर्म सबके पास होगा, ये पूरा पेपर है, ये आप कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए, आपको शायद अब तक मिल भी गया हो। तो हम इसके CDP के क्वेश्चन देखेंगे कि इन क्वेश्चनों की आंसर की क्या है, क्योंकि जो आने वाला पेपर है वो अब इस तरह का ना भी बने पर हमें उनके आंसर पता होने चाहिए। तो समय व्यर्थ न करते हुए हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थोरनडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम है? हाँ बच्चों, एक चीज और ध्यान रखना, आपको जब पेपर दिया जाता है और जब आप उस पेपर को करने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे के दिल में वो होपलेस या डर सा होता है, वो स्वाभाविक है, क्योंकि वो अपने भविष्य को लेकर चिंतन या चिंतित रहेगा तो डर भी होगा। तो डर के कारण बहुत से बच्चे नहीं पर ध्यान नहीं देते, जो कि हमें ध्यान देना है। जब आपको क्वेश्चन पढ़ रहे हों तो पेन से उसमें नहीं का निशान लगा लें, जिससे आपका क्वेश्चन कभी गलत ना हो। तो इसका आंसर होगा 4th, आवृत्ति का नियम। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कोहलर और कोफर के अनुसार सीखना होता है, कोहलर और कोफर के अनुसार सीखना होता है सूज द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सामाजिक निर्माणवादी के जनक कौन है? सामाजिक निर्माणवादी सबको पता है, जो भी कहना तैयारी कर रहा होगा, अच्छी तैयारी कर रहा होगा, वाइगोस्की।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं बताता? विकास, अब सबको पता है विकास को डायरेक्शन भी दे सकते हैं, विशेषता भी दे सकते हैं, सब चीज दे सकते हैं, पर क्या नहीं दे सकते? अनियंत्रण और स्वतंत्र। नियंत्रण कर सकते हैं, जब भी विकास आएगा उसे नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हेरिटेज जेनियस पुस्तक के लेखक कौन है? सबको पता है, जिसने भी थोड़ा सा भी गैटल उनके सुना होगा उनकी ये पुस्तकों के। अगला, संज्ञानात्मक संप्रदाय ताकन न्यूनतम स्तर, लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट क्या होगा? ज्ञान, इसका आंसर होगा सेकंड। अब सातवां क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षा का अंतिम सोपान क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षा, जो जिसने भी बीएड करी होगी या बीटीसी करी होगी तो उसने माइक्रो टीचिंग जरूर करी होगी, और माइक्रो टीचिंग में ही आपको पता होना चाहिए कि आखिरी स्टेप क्या होता है। सीधे सीधे आंसर होगा इसका थर्ड, री फीडबैक या पुनः प्रतिष्ठा। अगला आठवां क्वेश्चन है, गिलफर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक होते हैं, अपसारी चिंतन में क्या आवश्यक होते हैं? इसका आंसर होगा विचार प्रवाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक उद्वेलनता विधि के प्रतिपादक कौन है? एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी, यूपी टेट में जितने भी की प्रतिपादन जनक, ठीक है, इन सब चीजों को बहुत ही बारीकी से ध्यान से और अपने माइंड को रिवाइज कर, क्योंकि आप इन सब चीजों को एक पेपर पे लिखकर रोज दोहराएं, जिससे आने वाले जो यूपी टेट होगा उसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह के वो आप कर सकें। तो इसका नौवे का आंसर क्या होगा? ऑस्बोर्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रासंगिकता अंतर्बोध परीक्षण में से कौन संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा? सीडी मार्क, पहला इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है? सृजनात्मक की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? आयोजन। क्वेश्चन 11 का आंसर 1। 12 नंबर क्वेश्चन, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जितने भी प्रतिपादन देख रहे होंगे, जनक देख रहे होंगे, यूपी टेट का फेवरेट विषय है, तो आप इसको अच्छी तरह कर लें। तो इसका आंसर क्या होगा? 12 नंबर का थॉर्नडाइक। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से कारण अधिगम को प्रभावित करते हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारण हैं उपयुक्त सभी, व्यक्तिगत भी होता है, वातावरण भी, समाज भी। ज्यादातर पेपर में हमने देखा है कि उपयुक्त सभी, जो भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें उपयुक्त सभी या ऑल ऑफ द अबव्स होता है, वो आंसर 90-95% होता ही है, इसलिए उसके साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? फिर सिद्धांत की बात आई तो जैसे मैं बता रहा हूँ यूपी टेट का फेवरेट विषय सिद्धांत जनक है, तो इसको अच्छी तरह से कर ले। इसका आंसर है गार्डनर। स्पेयरमैन ने दिया है, स्पेयरमैन ने क्या दिया है? बुद्धि का द्विकारण सिद्धांत, आंसर फर्स्ट। प्रोजेक्ट विधि संबंधित है या प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ योजना में छात्र के पूर्ण अधिगम से संबंधित है, छात्र
के पूर्ण अधिगम से संबंध क्या होगा ये सबको पता होगा जिसने भी माइक्रो टीचिंग करी होगी या लेसन प्लान बनाया होगा। ये एक स्वाभाविक बात है। आंसर होगा इसका मूल्यांकन प्रश्न। जब तक मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक हम लेसन प्लान को अच्छी तरह सही नहीं बता सकते। अगला क्वेश्चन है, गलत वाक्य को चुनिए। अब इसमें गलत वाक्य कौन सा है? सीधी सीधी सबको दिखाई दे रहा है, इसका आंसर होगा छात्र सबसे अच्छे नियंत्रण वातावरण में सीखेंगे। अब नियंत्रण वातावरण कहाँ से लाएं? एक टीचर का काम यही है कि नियंत्रण वातावरण करे, वो बच्चे पे ध्यान ना दे। अगर ये वातावरण की बात करता तब भी यह आंसर सही माना जाता, पर नियंत्रण वातावरण को कभी भी नियंत्रण नहीं करा जा सकता, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा के अधिकार पर बल दिया है? सबको बताया शिक्षा का अधिकार कौन सा है? 86वां अमेंडमेंट एक्ट। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है, शिक्षण के कार्य में क्या सम्मिलित है? मूल्यांकन भी होगा, उपचार भी होगा, निदान भी होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, सबसे कम प्रभावशाली होगा जब? क्या प्रभावशाली होगा? शिक्षक एकात्वादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय होंगे, केवल लिखने पर बल दिया जाएगा, लिखने पर बल दिया जाएगा तो प्रभावशाली शिक्षण होगा ही नहीं, तो इसका भी आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। भाषा रूपांतरण सिद्धांत, फिर सिद्धांत की बात आई है तो इसका आंसर होगा चॉम्स्की। जहाँ भाषा की बात आए तो भाषा से रिलेट किया जाता है चॉम्स्की को, ये आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही है नहीं, जिस जहाँ पे नहीं आए उसमें खास कर ध्यान देना, क्योंकि बच्चों का जो क्वेश्चन गलत होते हैं यहीं पे गलत होते हैं, क्योंकि बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में वो नहीं चीज़ को ध्यान नहीं देते, तो इसका आंसर होगा सेकंड नंबर। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। निमंत्रवादी में अभिप्रेरणा के घटक, फिर आपको एक और अवसर मिला क्वेश्चन को पाने का या एक नंबर पाने का, उपयुक्त सभी अवस्था भी होनी चाहिए, ड्राई भी होनी चाहिए और सब चीज़ होनी चाहिए, तो इसलिए उपयुक्त सभी। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, मनोविश्लेषण सिद्धांत, फिर सिद्धांत की बात आई, मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड। 26 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? फिर नहीं की बात, यूबीटेट का जो इस बार का पेपर है या तो नहीं पे ज़्यादा जोर दे रहा था या फिर सिद्धांतों पर, जो कि यूबीटेट के जितने बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं वो सिद्धांत और इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? त्रुटियों के माध्यम से सीखना, आंसर थर्ड। अगला 27 क्वेश्चन में क्या है, विभिन्न योग्यताओं और रुचि वाले विद्यार्थी हेतु कौन से मूल्यांकन अधिक उपयोगी होंगे? क्या उपयोगी होगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सबको पता होगा, CCE जब आया था, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन एवोल्यूशन, तो ये इसीलिए लाया गया था जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। अगला 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनुदेशनात्मक उद्देश्य से संबंधित? ब्लूम की जहां बात आ गई, ब्लूम टैक्सोनॉमी की या ब्लूम के वर्गीकरण से संज्ञानात्मक पक्ष की, और जो
सब बच्चों को पता होगा कि इसमें क्या क्या होता है ब्लूम वाली में, पर इसमें पूछा है नहीं। नहीं पर फिर दोबारा हम अंडरलाइन करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? चरित्र निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? फिर नहीं के पर बात हो रही है, तो शिक्षण स्तर कौन सा नहीं है? होगा रिफ्लेक्टिव लेवल या फिर प्रतिवर्ती स्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन सीडीपी का। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादन किया था या प्रतिपादन कौन है? एक इरिक्सन। तो आज हमने यूपी टेट के जो कि आज पेपर हुआ था, जो कि एक सभी के लिए दुखद विषय था, पर हमें उस पेपर को हल करना था जिससे हमें आने वाले टाइम में उसके उत्तर पता चल सकें। पर हाँ, आज का पेपर देख के आपको सभी को ये अंदाज हो गया होगा कि इसमें नहीं पर ज़्यादा जोर दिया है। जनक कौन है, किसके हैं, प्रतिपादन किसने किया, सिद्धांत किसने दिए, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि यूपी टेट में सीडीपी में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सभी बच्चे परेशान ना हों, आने वाले जो पेपर जब दोबारा होगा उसके लिए तैयारी करें और अपनी एक रणनीति दोबारा बनाएं। जैसे मैंने बताया कि इसमें किस तरह क्वेश्चन आते हैं, सिद्धांत, प्रतिपादन, जनक, इस सब चीज़ों का ध्यान रखें। थैंक यू।